उत्तर प्रदेश के बरेली में फरीदपुर थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राम सेवक पर स्मैक तस्करों को रिश्वत लेकर छोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर के घर पर छापामार कार्यवाही की गई। एसपी अनुराग आर्य की छापामार कार्यवाही से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी को लंबे समय से फरीदपुर थाने के इंस्पेक्टर राम सेवक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेकर दो स्मैक तस्करों को छोड़ दिया। इसके बाद एसपी ने इंस्पेक्टर के आवास पर छापा पड़वाया। इस कार्यवाही में इंस्पेक्टर के आवास से 9,96,000 रुपए नगद बरामद हुए। वहीं इंस्पेक्टर को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो वो थाने की दीवार फांद कर फरार हो गया। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में दो संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7,00,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जाँच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7,00,000 रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।